नमस्कार मित्रों, जियो नंबर पर यदि आप 1.5 GB इंटरनेट डाटा पाना चाहते हैं तो 239 का रिचार्ज अभी भी चालू है, लेकिन बेनिफिट बदल गए हैं। तो चलिए जानते हैं 239 के रिचार्ज में आजकल क्या मिलता है रिचार्ज महंगा होने के बाद। जैसा कि जानते होंगे जियो नंबर पर रिचार्ज महंगा होने के बाद कई सारे प्लान में बदलाव किया गया है। वैसे में रिचार्ज महंगा होने के बाद 239 का रिचार्ज बंद हो गया है, ऐसा कुछ ग्राहकों का मानना है। लेकिन बता दें आपको 239 का रिचार्ज अभी भी चालू है, लेकिन इसका बेनिफिट बदल गया है। तो 239 में आपको 1.5 GB इंटरनेट डाटा तो मिलता है, लेकिन क्या कुछ सब कुछ बदला है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बता दें जियो नंबर पर 239 का रिचार्ज अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट बदल गया है। बेनिफिट आपको जानना चाहिए, क्योंकि 239 का रिचार्ज कई सारे हमारे व्यूअर का यह कहना था कि 239 का रिचार्ज तो पुराने प्लान था, लेकिन पुराने प्लान अभी भी रिचार्ज होते हैं। 239 का पुराने वाले रिचार्ज अभी भी कर सकते हैं, अभी भी चालू है। लेकिन इसमें क्या कुछ बेनिफिट मिलता है चलिए जानते हैं। बता दें आपको 239 का यदि आप रिचार्ज करते हैं तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाता है। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ 1.5 GB इंटरनेट डाटा भी मिल जाता है, लेकिन वैलिडिटी की वहीं भी बात करें तो 28 दिन पहले मिलता था, 28 दिन की जगह में अब आपको केवल 22 दिन मिलता है। बस अंतर इतना है कि वैलिडिटी कम कर दिया गया है, बाकी यह रिचार्ज 1.5 GB डाटा वाला अभी भी चालू है जियो नंबर पर।